नमस्कार दोस्तों, बोल्स्काई में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि माँ गंगा की उपासना करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि गंगा मैया की विशेष उपासना के लिए गंगा दशहरा पर्व को बहुत ही फलदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है और ये कल यानी 30 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में या घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु जन 10-10 सुगंधित पुष्प फल नैवेद्य 10 दीप और दशांग धूप के द्वार श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। जिस भी वस्तु का दान करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करें उनकी भी संख्या 10 होनी ही चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है और माँ गंगा खुश होकर मनुष्य को पाप मुक्त करती हैं। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब 10 बार डुबकी लगाना चाहिए। गंगा नदी के किनारे दीप दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन स्नान दान करने से शरीर शुद्ध और मानसिक विकारों से रहित होता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का खास महत्व है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर उतरी थी। विष्णुपति गंगा मैया के धरती लोक पर आने का पर्व इस साल 30 मई को मनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।